अनीश कुमार रिंकू सच दिखाने की जज्बा के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सच की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि समय के साथ आप तक हमारी खबरें पहुंच सके। आइए खबरों पर डालते हैं एक नज़र। भागवत कथा के छठे दिन रुक्मणी विवाह का हुआ मंचन, वैवाहिक गीतों पर झूम उठे श्रद्धालु। पकरीबराव प्रखंड मुख्यालय अवस्थित देवी मंदिर परिसर में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन रुक्मणी विवाह का मंचन किया गया। विवाह मंचन से पूर्व आचार्य गौतम जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मणी के संदर्भ विस्तृत कथा सुनाई, जिसे सुन श्रोता ओतप्रोत होते दिखाई दिए। तब जाकर रुक्मणी विवाह की झांकी प्रस्तुत की गई, जहाँ वैवाहिक गीतों से मंदिर परिसर गुंजायमान होता रहा। विवाह में वर वधु के पक्ष में अभिभावक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार वर्मा एवं उनकी पत्नी संगीता वर्मा एवं वर पक्ष से मंदिर के पुजारी समूह पांडे शाह पत्नी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वहीं दूसरे वृंदावन से पहुंचे कलाकारों ने शिव तांडव की आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की, जिसे देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए। आचार्य गौतम जी महाराज ने कथा में पहुंचे श्रद्धालुओं को बताया कि शुक्रवार को कथा का विश्राम किया जाएगा एवं शनिवार को हवन के साथ भव्य भंडारा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी शंकर पांडे, मंदिर कमेटी के व्यवस्थापक अनीश कुमार अध्यक्ष नीरज सिंह, कोषाध्यक्ष विभूति कुमार, अजीत कुमार, शिव कुमार, चंदन कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे।